हम लोग पैदल पैदल जा रहे हैं श्रीधर के घर, वहाँ पर जाएंगे और श्रीधर के घर के बारे में आप लोगों को बताएंगे एवं साक्षात दर्शन कराएंगे। जय माता दी। कितना बढ़िया रास्ता है, कितने बढ़िया बढ़िया पेड़ हैं, देखो कितने हरे भरे घासें हैं। और मौसम तो देखो बहुत मौसम है आज का। अब हम लोग भूमका मंदिर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। ये वंशाली कटरा गांव में श्रीधर का जन्म हुआ था। ये पासी में गांव है और ये भाई लोग भूमका मंदिर का रास्ता पूछ रहे हैं। भूमका मंदिर जाने से पहले कुछ मंदिरों की स्थापना हुई है और इसमें अनेक प्रकार के देवी देवताओं की मूर्तियां रखी हैं। हम आप लोगों का उनका भी साक्षात दर्शन कराएंगे, उसके बाद में भूमका मंदिर का दर्शन कराएंगे। जय माता दी। देखो कितना खूबसूरत नजारा है इन पर्वतों का। प्राचीन भूमका मंदिर कटरा, इसे यात्रा का प्रथम पड़ाव कहा जाता है। ये पुजारी जी हम लोगों को यहाँ के बारे में कुछ चीज़ें बता रहे हैं। ये महाराज जी श्रीधर के बारे में कुछ वर्णन कर रहे हैं। अब हम आप लोगों को यहाँ की मूर्तियों के दर्शन कराएंगे। ये श्रीधर घर जाने से पहले मंदिर पड़ता है। वैष्णो देवी का मंदिर श्री राम लखन सीता का मंदिर है। बढ़िया फोटो, अगर फोटो ही लेना है तो पिंडी दरबार इसके नीचे माता का। ये शनिदेव का मंदिर है। ये शनिदेव भगवान का मंदिर है। ओके, वो सामने भूमका मंदिर है और इसी के बगल में ये मंदिरें पड़ते हैं। यहाँ पर माता वैष्णो देवी का पिंडी दर्शन है। सुनिए, हम सब बैठे हैं, सभी फोटो इसे ले लीजिए, इसे हम लोग बैठते हैं, इसे बैठ लीजिए। अच्छे से बैठ जाओ, आराम से, केचो कोई मना थोड़ी है दिया। नहीं नहीं, बाबा जी भी बताए। श्रीधर पंडित का जन्म यही हंसाली कटरा गांव में हुआ था। यहीं से स्टार्ट हुआ है इनके दर्शन। यहीं पर श्रीधर को माता ने कन्या रूप में दर्शन दिया था, जिसमें भैरव बाबा संत महात्माओं सारे गांव का लंगर ग्रहण किया था। यहीं पर भैरव बाबा ने निवास मंदिर मांगी थी तो माता वैष्णो ने कहा कि यहाँ वैष्णो भंडारा यहीं ग्रहण कीजिए। यहाँ से मंत्र अंतर ध्यान होकर चरण पाद का कुमारी होते हुए भैरव बाबा को वध किया था और कुपम पहुँची। यहाँ पर श्रीधर को माता ने कन्या रूप में दर्शन दिया था।
अब हम लोग भैरव बाबा की गुफा की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। इन सीढ़ियों के माध्यम से बाबा भैरवनाथ के मंदिर का रास्ता है। यहाँ भी बहुत सुंदर एवं भव्य नजारा है। अब हम भैरव बाबा गुफा में आ चुके हैं और यहाँ पर पुजारी जी कुछ उनके बारे में बता रहे हैं। भैरव बाबा का गुफा है जैसा आप लोग देख सकते हैं। भैरव बाबा यहीं पर विराजमान है। ये वही गुफा है, यहाँ पर भैरव बाबा तपस्या बैठ कर किया करते थे। इस गुफा के अंदर छोटे से द्वार से उनकी गुफा में प्रवेश किया जाता है। हाँ, अब हम लोग भैरव बाबा का भी दर्शन करके नीचे की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। ये देखो यहाँ पर कुछ लोग स्नान भी कर रहे हैं। ऊपर कैसे जिंदा करो धन्यवाद।